जो जिसके बच्चे अनाथ होते हैं न उनसे जाके पूछो कि पिता के ना होने का दर्द क्या होता है पर जनता का दर्द देखा नहीं जाता बहुत बहुत पीड़ा में जनता सरकार मस्त है आज निशिकांत दुबे कहता है कि मोहब्बत की दुकान में चाइनीज़ माल भरा हुआ है बताइए इस निशिकांत दुबे से पूछिए कि चाइनीज कंपनियों से पीएम केयर फंड में नरेंद्र मोदी ने चंदा क्यों लिया था जबकि उस समय लद्दाख में हमारे भी सैनिक मारे गए थे तो प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घोषणा था ना कोई आया था बताइए तो ये सब चीज़ें जनता को समझना चाहिए और भाई अगर लड़ना है मरना है आपस में मार के मर जाए क्या मिलने वाला प्रधानमंत्री से बड़ा घमंडी कोई नहीं है कैसा है जनता आप समझ चुकी है और ये घमंडिया को है ना अब जनता जो है गुजरात में चाय की केतली दे के भेज देगी प्रधानमंत्री तीस हजार किलो का मशरूम खा रहे हैं उन्हें क्या समझ में आएगा कि जनता का दर्द क्या है तो प्रधानमंत्री तो बोलते हैं परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया है अब की बार पॉकेट मार सरकार न न ये जो ढोंगी बैठे है ना सत्ता में इनकी कुर्सी बचाने के लिए इन्ही के गुंडे होते हैं नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़ अभी हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शेख को हर कोई जानता है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं और सरकार को पूरी तरीके से घेरते हैं जो भी कुरीतियां हैं उसको लेकर सवाल उठाते हैं ये जो इंडिया का गठबंधन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिदीन के बाद एक नया आया है घमंडिया इस पर क्या कहेंगे जो घमंडिया है उसने अपने मुँह से स्वीकार लिया कि मैं घमंडिया हूँ हाँ। आ... प्रधानमंत्री से बड़ा घमंडी कोई नहीं है प्रधानमंत्री के देखिए आपको पता होगा कि झारखंड में ही कहीं पर चुनाव था और आई ने सिर्फ चश्मा लगा करके प्रधानमंत्री के सामने आया वो आई सस्पेंड हो गया था तो घमंडिया कौन हुआ बताइए पता है कि नहीं आपको आपको बताना जनता आपको सुनना चाहती नहीं तो आई सस्पेंड हो गया था शिव गौगल लगा करके प्रधानमंत्री के सामने आ गया तो घमंडिया कौन है उनको बुरा लगा होगा ना हम प्रधानमंत्री हमारे सामने ये जो स्टाइल मार ये रहा है। बुरा होगा लगा होगा कि मेरे सामने ये हीरो कैसे बन रहा है? बताइए प्रधानमंत्री से ज्यादा मेकअप पूरी दुनिया में कोई नहीं करता होगा कोई आप करती हैं मेकअप नहीं करती ना प्रधानमंत्री दिन में कई बार मेकअप करते हैं पता है मेकअप मैन भी अलग से रखा हुआ है तो हो सकता है उनको लगा होगा कि ये बताए के आई एस अधिकारी है और ये चश्मा लगा के प्रधानमंत्री के सामने आ रहा है। अच्छा आई एस अधिकारी को अधिकार नहीं है चश्मा लगाना बताइए वो तो चुनाव की, की तो घमंडिया कौन है ये बताओ ये चीजें है मैडम पहला कैसा है जनता आप समझ चुकी है और ये घमंडिया को है ना अब जनता जो है गुजरात में चाय की केतली देके भेज देगी कहा जा रहा है कि जो है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में पूरा चाइनीस सामान भरा हुआ है पूरा चाइनीस सामान जिसने कहा है।, है उस निशिकांत दुबे से पूछो कि चाइनीस सामान जो भरा है मोहब्बत की दुकान में कह रहा है संसद के अंदर तो ये पूछो कि लॉकडाउन में केयर केयर फंड में चाइना से फंड कौन लिया था और ये पूछो कि 18 बार चाइना के प्रेसिडेंट से कौन मिला था पूछिए अभी भागते ना? आ, अभी करते रहेंगे ये लोग का देखिए कि जब कोई पूछता है ना सवाल तो ये लोग ये हो जाते हैं घबरा जाते हैं प्रधानमंत्री भी घबराए है हुए हैं कि उनकी कुर्सी जा रही है वो क्यों घबराएंगे अमित शाह ने संसद में ऐलान कर दिया कि आएंगे मोदी ही चाहे तुम जितनी गठबंधन गठ कर अमित शाह अमित शाह कौन है कहने वाले जब हम जनता ही वोटर हैं बताइए हमारे वोट से चुन के आएंगे ना वो तो संसद में ऐलान कर रहे हैं फालतू तो का लोग वो कुछ भी कह दे, मैं अभी कह दूं कि मैं अभी 24 के इलेक्शन में या नेक्स्ट इलेक्शन में मैं बाइडन की जगह आ रहा हूँ तो मान लोगी क्या या जनता हम मान लेंगे क्या तो कहना और करने में कथनी और करनी में कितना फर्क है ये नौ सालों में हमने देख लिया है ठीक है मैडम जी hmm. तो ये जा रहे हैं दिखुण? अब प्रधानमंत्री जा करके आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो है राजस्थान में जा करके के डब्बा गोल का इशारा क्या होता है प्रधानमंत्री ने जो हजार चौबीस में बोलते हैं विपक्ष का डब्बा गोल होने वाला है तो गोल का इशारा हम लोग ये समझते थे लेकिन प्रधानमंत्री जो है राजस्थान में जाकर बोलते हैं भाई बहनों विपक्ष का डब्बा इस बार गोल होने वाला है ऐसा गोल होता है बताओ प्रधानमंत्री इस तरह का अश्लील इशारा कर रहे हैं क्या पता उनका आ, कोई वैसा मंतव्य ना हो आप लोगों ने अश्लील बना दिया हो क्योंकि हम समाज में जब किसी की बोलते हैं ना कि हम तेरी बजा देंगे तो ऐसा हम कहते हैं अब बोलते हैं कि तेरा डब्बा गोल होगा तो हम ऐसा करते हैं तो अब प्रधानमंत्री ने गोल का इशारा ऐसा बता दिया तो बताइए जब सरकार ही बोलती है गोल का इशारा ये है तो इसको राष्ट्रीय गोल घोषित कर दो शिम्बोल उनको पता नहीं होगा कि इसका कुछ और भी मतलब तो उनको है। जो उनको जो एडवाइस करता है उसे तो पता होगा <laughs> तो अच्छा प्रधानमंत्री ने एक नया बयान दिया है कहते हैं विपक्ष पे विपक्ष की बातों से बड़ा दुख होता है क्योंकि ये ना काम करना जानते हैं और ना ही काम करने देते हैं ना काम मतलब प्रधानमंत्री ना काम है क्योंकि ना शिक्षा के क्षेत्र में काम किए ना रोज़गार के क्षेत्र में काम किए ना बेटी बहन सुरक्षित है देश में ना ही शिक्षा सुरक्षित है ना रोजगार सुरक्षित है ना जनता का जो है देखिए दूध का दाम जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बत्तीस रुपया था छासठ अच्छा रुपया है नाकाम प्रधानमंत्री कौन है बताओ सुबह जब जनता हम जब आँख खोलते हैं तो सबसे पहले दूध और पाव लाते हैं हम चाय बना करके पाव से खाते हैं एक जनता की बात कर रहा हूँ तो कम से कम अगर हम उसमें भी पचास साठ रुपया रोज का चाहिए सुबह में एक जो लोअर मिडिल क्लास है वो सबसे खस्ता हाल में है आपको पता है वो तो हवाला दे रहे हैं कि कहाँ महंगाई बढ़ा है तो वेतन भी तो बढ़ा है प्रधानमंत्री तीस हजार किलो का मशरूम खा रहे हैं उन्हें क्या समझ में आएगा कि जनता का दर्द क्या है इसलिए तो मैंने कहीं पढ़ा था कि बोलते थे कि राजा को जो है कुटुम्बकारी होना चाहिए कुटुंबकारी समझती हैं परिवारवादी होना चाहिए जब राजा का परिवार होगा तब वो प्रजा की परिवार का दर समझेगा तो प्रधानमंत्री तो बोलते हैं परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया है इसलिए हम जनता के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं ये बताइए वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी प्रधानमंत्री दैव कुटुम्ब का अगर नारा देते तो हरियाणा तो हमारा ये कुटुम्ब है कि नहीं हरियाणा मेवात गुरुग्राम ये कुटुम्ब नहीं हमारा क्या किए हैं वो वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है बताइए और गरीबों का बुलडोजर घर चला के तोड़ रहे हैं अब बोलते हैं अवैध आज उनको मालूम पड़ा अवैध है इसके पहले का खट्टर सरकार सोई थी बताइए तो वो तो गरीब कह रहे जो है, है अब लगता है कि गरीब खाली जो है चाहे वो दंगे में मरे चाहे वो कहीं पर भी बेरोजगारी से मरे भूखमरी से मरे हम जो जनता गरीब है ना इस लगता है मरने के लिए पैदा हुए हैं ये राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं ये सब हम जनता को उल्लू समझती हैं बेवकूफ़ ये गरीबों की सरकार कही जाती है मोदी सरकार नहीं नहीं ये अमीरों की सरकार है और अच्छा तो बताइए इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब अडानी है इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब अंबानी है हम जनता तो करोड़पति हैं चलिए आप ही की बात मान लेते हैं तो गरीबों को और तमाम जो है जनता को राशन देते हैं किसानों को जो है पैसे देते हैं में हैं। हैं। दो हजार जो किसान सम्मान निधि देते उसमें किसान। उसके लागत से भी ज्यादा जो है उसका नुकसान हो रहा है खेती में और जो देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे आपको और दूसरी बात सबसे ज्यादा जो है आपने कहा क्या कहा अभी राशन देते हैं। राशन देते हैं बताइए एक किलो राशन का कीमत क्या है बताइए मान तो डेढ़ सौ रुपया हुआ पांच किलो और का और साढ़े बारह सौ रुपये का गैस बारह सौ रुपये का पिछवाड़े से निकाल रहे, रहे हैं निकाल रहे हैं नहीं बताइए प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द लोग नाराज पिछवाड़े मीन्स पीछे की जेब से अब प्रधानमंत्री नहीं समझे तो हम क्या करें बटुआ हम कहाँ रखते हैं पीछे रखते हैं नहीं तो बटुए से ही तो निकाल रहे हैं पैसा आप समझ नहीं रही हैं प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि वो गलत इशारे कर रहे हैं और आप खुला बोल के भी फिर उसको तो तो कर पर्स पीछे ही रखते हैं मैडम हाँ जनता जानती है तो हमारे पीछे के पॉकेट से साढ़े ग्यारह सौ रूपया निकाल रहे हैं अब की बार पॉकेट मार सरकार हाँ लेकिन जो है तमाम लोग जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन के जो सबूत है वो गिनवा रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग गिनवा रहे हैं अच्छे दिन देखिए मणिपुर में चल रहा है अच्छे दिन मिजोरम तक आ गया था अच्छे दिन अब हरियाणा में देखिए मेवात में अच्छे दिन गुरुग्राम में देखिए ये अच्छे दिन है कौन कह रहा है अच्छे दिन बताइए आप लोग कह रहे हो क्योंकि अभी तीन हजार करोड़ आप लोगों को भी मिला है मिला है नहीं मिला नहीं हमें नहीं मिला है मीडिया को ही मिला है हमें नहीं मिला है वो पता नहीं तो आपको कि... को को हाँ, पता नहीं आपको मिला बताइए कौन से मीडिया को मिला है। प्रिंट मीडिया को भी मिला है हाँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मिला है हाँ। हाँ। हम सोशल मीडिया सबको मिला है सोशल मीडिया को भी मिला होगा तीन हजार करोड़ अभी हाल ही में मिला है चार दिन पाँच हमें तो नहीं मिला है अब पता नहीं आप गई नहीं थी लगता है नहीं हम तो गए ही नहीं थे जो भी है लेकिन ये तीन करोड़ रुपया जनता की सुपारी लेने के लिए तो मिला है मीडिया को अच्छा हरियाणा पे अगर बात करें तो हरियाणा में कहा जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों ने दंगा भड़काया उसके बाद दूसरे समुदाय ने प्रतिक्रिया दी है देखिए हरियाणा का दंगा अभी जाट जाट भाई लोगों ने बताया ना क्या बताया, बताया? ब, बोल तो रहे हैं, हम सेकुलर हैं और इस तरह के लोगों में हम उन्माद में नहीं फंसेंगे और ये फे जान बुझ कर करा गया बताइए बिट्टू बजरंगी ने क्या कहा था अब तो रो रहा है ओ ऐसा रो रहा है वो जब कानून का सिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है क्यों फट गई उसकी क्यों रो रहा है उसी ने तो करा था ना जीजा आ रहे हैं फलाना आ रहे हैं ढिमका आ रहे हैं दमाद आ रहे हैं बोले गया तो, तो नहीं था आ रहा है ना क्यों रो रहा है वो जब कानून का सिकंजा कस रहा है तो कानून से बड़ा कोई नहीं है सबके ऊपर किशन सिकंजा कसेगा और ये जो सरकार जाएगी ना तो ये पता है कि बहुत लोगों पर सिकंजा कसेगा इसलिए सब बौखलाए हुए हैं मोनू मानेसर को लेकर बोला जा रहा है कि उसके कारण दंगा भड़का लेकिन वो तो गया ही नहीं था अरे यार तो मोनू मानेसर क्या किया था वो संत महात्मा है क्या बताइए दंगा उसी के नाम पे भड़का था भड़का था ना दो दिन पहले वीडियो उसी का वायरल हुआ उसके बाद वो क्या नाम है दूसरा बिट्टू बजरंगी उसने बनाया तो ये लोग क्या है उन्मादी लोग हैं सरकार पहला इनका पर ये करना चाहिए इनको को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए और जो लोग भी चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो मैं बार बार कहता हूँ कि मत फूको घर किसी का मत लो किसी की जान मरने वाला सिर्फ इंसान है क्या हिंदू क्या मुसलमान पत्नी सबकी होती है बेवा होते हैं बच्चे अनाथ मत बांटो मेरे देश को क्या हिंदू क्या मुसलमान तो ये अच्छी बात है क्या दंगा बताइए धर्म के नाम पर अगर देखिए मैं एक बात मानता हूँ अगर धर्म का झगड़ा होता तो ईश्वर और अल्लाह लड़ता गीता और कुरान लड़ता इंसान क्यों लड़ रहा है धर्म बचाने झगड़ा मतलब सियासत का है धर्म बचाने के ना ना ये जो ढोंगी बैठे हैं ना सत्ता में इनकी कुर्सी बचाने के लिए इन्हीं के गुंडे होते हैं जो दंगा करते हैं जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो आम आदमी नहीं लड़ने जाता आम आदमी तो दो वक्त की रोटी भी नहीं देखिए दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पा रहा है ये दौर है बताइए ना, अभी लॉकडाउन लगा था लोग दूध का बच्चे खाने खाने को तरसते थे मैडम आपको पता होगा तो।, तो अगर कर्फ्यू लगता है दंगे में तो जो रोज़ जो कमा कर खाने वाला है वो कहाँ से खाता है कहाँ से पीता है उसके घर कोई झाँकता है क्या दंगा करने वाले तो अपना दंगा करके निकल जाते हैं पर गरीब जो रोज़ कमा कर खाता है मुझे तो रोना आता है इस बात तो बताइए उनके घरों को तोड़ दिया जाता है दुकान दिग बेबसी से लोग कितने सालों साल तक आशियाना बनाने में, में मैडम लग जाते हैं आशियाना भी नहीं बन पाता है रेंटेड रहते हैं लोग जाके पूछिए उनसे लेकिन उनका हालत आज मैं देखता हूँ ना तो रोना आता है क्यों दंगा करते हो तुम भगवान खुश होता है चाहे अल्लाह खुश होता है खुश होगा क्या आप मानती हैं किसी का घर टूट जाए किसी का ये हो जाए आप इस जो वो बंदा जो उसका दो बीस सेकंड का क्लिप वायरल हुआ था वो एक था की बात कर रहा था उसको जला के मार दिया इन्होंने बताइए इसलिए इस सरकार को जाना जरूरी है सरकार नहीं जाएगी तो गरीब ऐसे ही मर जाएंगे मैडम जी ये बहुत गलत बात है दंगा नहीं होना चाहिए देश में दंगा होना चाहिए तब जब नेता का बेटा उस दंगे में पत्थर पकड़ के आगे खड़ा रहे लीड करे नेता अपने बच्चों को नहीं भेजते जनता को दंग दंगे में झोंक देते हैं बताइए अच्छी बात है ये बहुत बुरी बात है बहुत बुरी बात है हम तो घूम के देखते हैं हम तो क्या है मैडम हम भी जनता हैं पर जनता का दर्द देखा नहीं जाता बहुत बहुत पीड़ा में जनता सरकार मस्त है आज निशिकांत दुबे कहता है कि मोहब्बत की दुकान में चाइनीज़ माल भरा हुआ है बताइए इस निशिकांत दुबे से पूछिए कि चाइनीज कंपनियों से पीएम केयर फंड में नरेंद्र मोदी ने चंदा क्यों लिया था जबकि उस समय लद्दाख में हमारे भी सैनिक मारे गए थे तो प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घोषणा था ना कोई आया था बताइए तो ये सब चीज़ें जनता को समझना चाहिए और भाई अगर लड़ना है मरना है आपस में मार के मर जाए क्या मिलने वाला बच्चे अनाथ हो जाएंगे जो जिसके बच्चे अनाथ होते हैं उनसे जाके पूछो कि पिता के न होने का दर्द क्या होता ये है चीज़ें चेहरे पर आपको दर्द दिखा होगा कलीम शेख जो है भावुक हो गए जिस तरीके से लोगों को जिंदा जला दिया जाता है दंगे में जो है लोगों को लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है घर जला दिया जाता है बात तो सही है कि आसियाना बनाने में सालों साल लग जाता है लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जुटाकर एक घर बनाते हैं उसको चंद पल में जला देना ढा देना कितनी निर्ममता का ये उदाहरण है कलीम शेख के चेहरे पर आपने उदासी देखी किस तरीके से वो भावुक हो गए थे ज़रूर ये जरूरी है संवेदना होना जरूरी है इंसान में क्योंकि अगर संवेदना ना होगा तो आपस में सब लड़कट कर मर जाएंगे और ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये सिर्फ हिंदुत्व जातिवादी और इन सब की राजनीति करते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है ये सारे दाव पेच अपनाते हैं क्योंकि जो नेता हैं इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे होते हैं नहीं तो किसी अच्छे जगह पर अच्छी पोस्ट पर अच्छे एसी वाले रूम में बैठकर मज़े ले रहे होते हैं लड़ता कौन है वो आम पब्लिक लड़ती है जनता लड़ती है और एक दूसरे का सर फोड़ते हैं और गर्दन काटते हैं और लड़ कट कर मर जाते हैं और इनसे जो अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो साफ़ तौर पर नेताओं को फ़ायदा होता है आपको जागना है आपको सोचना है और पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कैमरामैन तोहित के साथ ड्यूटी गिरी जनहित आवाज़